हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू येट अनदर वीडियो। डिस्क्लेमर देख लो एक बार। सो जो हमारा पिवोट स्ट्रेटजी का जो सीरीज है उसका ये लास्ट वीडियो रहेगा, जहां पर हम लोग जो लास्ट स्ट्रेटजी थी पिवोट के बेस पे सेटअप फोर विच इज वी नेम डिटेल्स फोर का, एज यू नो इट्स द नेम ऑफ द किलर वेल, राइट। सो ये भी हमें मिस्टर एलिस्टर फर्नांडिस ने रिक्वेस्ट की थी बनाने के लिए। एंड जैसे कि आप लोग जानते हो, अगर आपने मेरे जो भी ये पुराने वीडियोस देख लिए हैं, कि हमने उसका ओनली कोड वीडियो ऑलरेडी सारे के सारे स्ट्रेटजीज का दे दिया है। एंड जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सबके मोटा मोटी हो गए हैं, सिर्फ ये एक स्ट्रेटजी बची थी एक्सप्लेनेशन के लिए। सो आज हम इसका स्ट्रेटजी एंड कोड दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा, राइट। एंड जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग टेलीग्राम में, आप कोई भी अगर मेरा चैनल ओपन करोगे और कोई भी वीडियो देखोगे, तो वो मैंने मोस्टली जो उसका प्रीवियस जो भी रेफरेंस होगा उसके रिप्लाई में ही ये लिंक डाला होगा, राइट। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो आपका जो प्रीवियस रेफरेंस होगा वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। एंड जो हम लोग यहाँ पर सेटअप फोर की बात करने वाले हैं, फोर का की, एंड जैसे कि आप लोग जानते हो कि ऑलमोस्ट अराउंड 1 सितंबर मिस्टर एलिस्टर को स्लॉट्स की ज़रूरत थी, तो हमने जो भी ये शेयर कोड आप लोगों को दिए हुए थे लाइव ऑफलाइन के लिए ट्रैक करने के लिए इसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो अनफॉर्चुनेटली हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ा है। लेकिन जब तक वो ट्रेड में थे, डिप्लॉयमेंट में थे, तब तक का जो भी डेटा है वो उन्होंने यहाँ पर उसका एक्सेल शीट एंड पीडीएफ दोनों शेयर किया हुआ है। सो आप वो भी जाके देख सकते हो, राइट। एंड ऑल्सो जिस ट्विटर हैंडल से उन्होंने ये स्ट्रेटजीज हमें सजेस्ट की थी बनाने के लिए, कि आप ये स्ट्रेटजी हमें कैसे बना दें ट्रेडट्रॉन में, वो बताओ उसका मेथड कैसे बना दें। सो वो ट्विटर का लिंक भी उन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है, जो हमारी सेटअप फोर है और का उसके थ्रेड के अंडर। सो आप वो भी देख सकते हो, राइट। सो बेसिकली स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से थी कि अगर आपका ये सपोज पिवोट लेवल है 0 नंबर पे, राइट, एंड जो आपका अंडरलाइंग है निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर आप कोई स्टॉक में किसी में भी वर्क कर रहे हो, वो इसका 50 या 200 डिपेंडिंग ऑन एग्रेसिव व्हाट टाइप ऑफ एग्रेसिव ट्रेडर यू आर, राइट। उन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि अगर आप बहुत ही एग्रेसिव हो, सो 0 से 200 पॉइंट की अगर रेंज है, सपोज ये 200 वाला लेवल है, ये -200 वाला लेवल है, सो अगर अंडरलाइंग ये 200 के रेंज के अंदर भी आता है तो भी आप लोग ट्रेड ले लोगे। अगर आप इतने ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो, सो आप जो भी उसका 50 प्लस 50 एंड माइनस 50 का जो भी रेंज है इसके अंदर अगर कैंडल आता है कोई भी रेंज के अंदर, तो आप ट्रेड ले लोगे, राइट। एंड ट्रेड आप कहाँ ले लोगे, जो आपका ये पिवोट लेवल है उसका नियरेस्ट स्ट्राइक आप सिलेक्ट करोगे, पिवोट पॉइंट का जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक होगा वो आप सिलेक्ट करोगे, राइट। अगर आप निफ्टी में वर्क कर रहे हो एंड आप 100 राउंडेड स्ट्राइक में वर्क करना चाहते हो तो भी ठीक है, वरना आप 50 जो कि बेसिक स्मॉलेस्ट जो भी है स्ट्राइक डिफरेंस पॉसिबल इज निफ्टी इज 50, राइट। सो आप हर एक 50 पॉइंट्स का निफ्टी में आपको स्ट्राइक मिलता है। काफ़ी लोग 50 सिलेक्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, काफ़ी लोग उसको 100 वाली जो भी स्ट्राइक है, राइट, -100, -200, +100, +200 इस तरह के स्ट्राइक्स में वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आपका जो पिवोट होगा उसका नियरेस्ट जो भी स्ट्राइक होगा उसमें आपको वर्क करना है, उसका आपको स्ट्रेडल सेल करना है बेसिकली, राइट। सो उन्होंने वही आपको यहाँ पर बताया है। एंड दूसरी बात, प्राइस ओपन ही वहाँ पर होनी चाहिए, राइट, उस रेंज के अंदर। दूसरे सभी जगह पे हम लोग क्या कर रहे थे कि सपोज आपका R1 है या फिर S1 है, कोई भी कैंडल R1 या S1 को टच करता है तब हम लोग ट्रेड ले रहे थे, राइट। यहाँ पर भी आप उस तरह से वर्क कर सकते हो, मैंने उसको टेस्ट नहीं किया हुआ है, जिन्होंने ये सेटअप दिया हुआ है उन्होंने भी शायद टेस्ट नहीं किया होगा, मुझे नहीं पता। सो आप वो भी चेक कर सकते हो कि अगर वो पिवोट को टच करता है या फिर पिवोट से या प्लस या 50 -50 या फिर +100 और -100 वाला जो भी लेवल है उसको अगर वो टच करता है कोई भी कैंडल, तो आपको पिवोट वाली जो भी स्ट्राइक होगी उसमें ट्रेड लेना है। आप वो भी चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सेटअप उन्होंने सजेस्ट किया है वो क्या है कि आज का डे का जो ओपन है वो अगर पिवोट के 50 पॉइंट्स रेंज के अंदर होता है, या फिर आपके हिसाब से 50 से 200 तक का कोई भी आप रेंज ले सकते हो, राइट। ये अगर पिवोट है सो यहाँ से +200 तक का या फिर -200 तक का रेंज भी आप ले सकते हो। यहाँ कहीं पे भी अगर ओपन हो रहा है आज का, तो आप ट्रेड ले सकते हो। सो 50 से 200 के बीच में आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस में वर्क करना है। उस टाइम पे आपको पिवोट के वाला जो भी स्ट्राइक होगा नियरेस्ट टू पिवोट वो आपको सेल कर देना है, बेसिकली स्ट्रेडल सेल करना है। लाइक अगर पिवोट 30,000 के अराउंड है
सो आप लोगों को 30,000 का स्ट्रेडल सेल करना है एंड आपको एग्जिट कब करना है। सो अगर R1 या फिर S1 के ऊपर या नीचे मार्केट 15 मिनट तक मिनिमम सस्टेन करता है तो आप लोगों को एग्जिट कर जाना है उस स्ट्रेडल में से, राइट, जो भी आपने पिवट वाला स्ट्रेडल सेल किया था। तो सपोज मार्केट यहां पर ओपन हुआ तो भी आप पिवट वाला स्ट्रेडल सेल करोगे, और मार्केट अगर ऊपर चला गया तो भी आपको एग्जिट कर जाना है। मार्केट सपोज यहां पर ओपन हुआ, आपने पिवट वाला स्ट्रेडल सेल किया और मार्केट जाके नीचे चला गया एंड S1 के नीचे 15 मिनट तक सस्टेन कर गया, बंद क्लोज कर गया, तो भी आपको स्ट्रेडल सेल जो आपने किया था उसमें से एग्जिट कर जाना है, राइट। सो स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल, आपको मार्केट का ओपन देखना है, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है आज का डे का ओपन क्या होगा, वो अगर पिवट का आपका जो भी प्री डिसाइडेड रेंज है 50 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स या 200 पॉइंट्स, राइट, नियरेस्ट टू पिवट, तो आपको स्ट्रेडल सेल करना है पिवट के अराउंड वाला जो भी स्ट्राइक होगा वो, एंड R1 या S1 के ऊपर या नीचे वो अगर सस्टेन करता है 15 मिनट तक तो आपको एग्जिट कर जाना है। बेसिकली ये स्ट्रेटजी है, इसके अंदर भी आप लोग चाहो तो काफ़ी सारे वेरिएशंस ला सकते हो, मॉडिफिकेशंस ला सकते हो, आपके ऊपर है। दूसरा, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बोलता हूँ हर एक वीडियो में, आपको स्टॉप लॉस तो यूज़ करना ही है, राइट, टारगेट आप करो ना करो आपके ऊपर है, लेकिन स्टॉप लॉस तो आपको ऑलवेज यूज़ करना है ईच एंड एवरी स्ट्रेटजी में। सो कोड देख लेते हैं एक बार। सो आज का आपका फर्स्ट ट्रेड है ऑल काउंट, ये हमने निफ्टी बैंक के अंदर ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है एंड मैंने जो है वो 100 पॉइंट्स का रेंज लिया है, राइट, यानी कि पिवट से 100 पॉइंट नीचे एंड 100 पॉइंट्स ऊपर का रेंज लिया हुआ है। सो मैं क्या देख रहा हूँ कि आज का जो डे ओपन है, सो यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम में डे रखना है, कैंडल टाइप में डे रखना है एंड आपको सिलेक्ट करना है ओपन। तो आज का बैंक निफ्टी का ओपन ये बैंक निफ्टी स्पॉट के लिए है, बिकॉज मैंने यहाँ पर करंट मंथ एक्सपायरी नहीं सिलेक्ट किया है, तो ये फ्यूचर नहीं लेगा, ये स्पॉट का वैल्यू लेगा। सो आज का बैंक निफ्टी का स्पॉट का ओपन प्राइस जो भी है वो या तो आपका जो पिवट पॉइंट है, राइट, यहाँ पर स्टैंडर्ड में आपको पिवट सिलेक्ट करना है, आपका जो पिवट पॉइंट है उसमें से आप 100 पॉइंट्स माइनस कर दीजिए, उससे ऊपर है एंड आपका जो पिवट पॉइंट है उसके अंदर आप 100 पॉइंट्स प्लस कर दीजिए, उसके नीचे है बेसिकली। सो सपोज ये आपका पिवट पॉइंट है, राइट, ये आपका प्लस 100 वाला लेवल है, जो भी पिवट है प्लस 100 एंड जो भी आपका पिवट है उसमें से आपको माइनस 100 करना है। सो प्लस 100 के नीचे है आज का ओपन प्राइस एंड माइनस 100 के ऊपर है, सो ये रेंज के अंदर आपका बैंक निफ्टी ओपन हुआ है, ये आपका एंट्री क्राइटेरिया हो गया, सिंपल है। सो तो हमें एंट्री लेना है, किसमें एंट्री लेना है, सो जो भी आपका पिवट होगा उसका नियरेस्ट स्ट्राइक आपको सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पर आपको राउंड के अंदर पोजीशन सिलेक्ट करना है एंड बेस के तौर पे 100 रखना है, बैंक निफ्टी के अंदर एवरी 100 पॉइंट का स्ट्राइक डिफरेंस होता है इसलिए, एंड फिर उसके अंदर आपको पिवट सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड एंड पिवट। सो जो भी आपका पिवट का प्राइस होगा, राइट, स्पॉट के वैल्यू के हिसाब से उसका नियरेस्ट स्ट्राइक आपको सेल कर देना है, कॉल का एंड पुट का दोनों का सेम रहेगा, राइट, ये हमारा पुट के लिए है, उसमें भी आपको सेम सिलेक्ट करना है, राइट, जो भी आपका पिवट होगा उसका नियरेस्ट 100 राउंडेड वैल्यू। सो ये स्ट्राइक्स आपने सेल कर दिया। यहाँ पर सेम मैंने जब जो अपना प्रीवियस वीडियो था उसमें भी मैंने आप लोगों को बोला था पेंगुइन में कि ये जो मैंने यहाँ पर S1 सिलेक्ट किया हुआ है वो ऐसे ही रखा है चेक करने के लिए कि आप लोग ब्लाइंडली कॉपी करते हो या फिर कुछ सोचते भी हो कॉपी करने से पहले कि इसका क्यों यूज़ किया है, एंड आई एम हैप्पी दैट काफ़ी लोगों ने मुझे बताया था कि ये आपने गलत सिलेक्ट किया है। सो वो लोग सही है, मैंने सिर्फ ऐसे ही यहाँ पर रखा था S1 ताकि हमें पता चले कि आप लोग सोचते समझते भी हो या फिर ब्लाइंडली कॉपी करते रहते हो, राइट, तो उसका कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है S1 का, बिकॉज हम लोग उसका कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे। इसमें तो सिंपल है, आपका सिर्फ एंट्री कंडीशन है, यहाँ पर भी मैंने आपको दिखा देता हूँ। सपोज आपका पिवट है ये वाला, राइट, 44534, सो आपको प्लस 100 एंड माइनस 100 लेवल आपको सिलेक्ट करने हैं। सो हम लोग यहाँ से प्लस 100 वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आपका प्लस 100 का लेवल हो गया एंड सपोज ये आपका माइनस 100 वाला लेवल हो गया। सो अगर मार्केट, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 6 सितंबर को मार्केट यहाँ पर एग्जैक्टली पिवट के आसपास ही ओपन हुआ था, लेकिन अगर मार्केट वहाँ कहीं पे भी नहीं एंड जो आपका ये रेंज है प्लस एंड माइनस 100 वाला अगर उसके बीच में भी ओपन होता है तो भी आप ट्रेड लोगे, राइट। सो ये आपका रेंज हो गया। अगर मार्केट यहाँ कहीं पर भी ओपन होता है इस रेंज के अंदर, पिवट से प्लस 100 पॉइंट ऊपर एंड पिवट से माइनस 100 पॉइंट नीचे के बीच में,
तो आपको ट्रेड में एंटर करना है जो भी आपका पिवोट चल रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 44,533 यानी कि 44,500 का कॉल पुट आपको सेल कर देना है, 44,500 का स्ट्रेडल आपको सेल करना है दूसरे शब्दों में बोलूँ तो। एंड आपका एग्जिट कब होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट ने आफ्टर 11:35 S1 के नीचे क्रॉस कर दिया, फिर आपको 15 मिनट तक देखना है कि वो सस्टेन करता है कि नहीं करता। सो 15 मिनट यानी कि 1 मिनट का अगर आप देखो तो 15 कैंडल्स हो गया। सो अगर प्रीवियस जो 15 मिनट पहले की जो कैंडल थी यानी कि 16वीं जो कैंडल थी पहले वाली और अभी जो प्रीवियस कैंडल थी वो दोनों अगर S1 के नीचे है या फिर R1 के ऊपर है, सो हम लोग मान सकते हैं ऐसा कि मार्केट ने सस्टेन किया है S1 के ऊपर या R1 के नीचे। एंड आपको जो भी स्ट्रेडल आपने यहाँ पर सेल किया था उसको आपको यहाँ पर कहीं पे भी एग्जिट कर देना है। एंड उन्होंने कुछ री एंट्री का नहीं बोला, सो नो री एंट्रीज। लेकिन आप चाहो तो आपको अभी मेथड पता है किस तरह से R1 S1 पिवोट का स्ट्रेटजी है तो किस तरह से आप कोड कर सकते हो, मैंने आप लोगों को मेथड बता दी है सारी की सारी। सो आप अपने हिसाब से इसके अंदर तो काफ़ी वेरिएशंस आ सकते हैं, पिवोट पॉइंट्स के ऊपर आप लोग काफ़ी सारे वेरिएशंस वाले स्ट्रेटजीज बना सकते हो इजीली। एंड ये कोड करने में भी काफ़ी आसान है, राइट। सो आपको बेसिकली 100 पॉइंट्स का रेंज लेना है एंड आपका काम हो गया। यहाँ पर भी आपका कुछ एंट्री बन गया होगा बिकॉज पिवोट के आसपास ही ओपन है, यहाँ पर शायद आपका एंट्री नहीं बना होगा। 8 सितंबर को देख लेते हैं एक बार। सो इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं 100 पॉइंट्स को, एंड इसको भी यहाँ से उठा के, इसको नहीं, ओके ये भी यहाँ पर। सो ये आपका 100 पॉइंट का जो रेंज था उसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ है 8 सितंबर को, तो 8 सितंबर को आपको एंट्री नहीं मिली होगी। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आपको ट्रेंडिंग मूव से आप बच गए, राइट। अगर एंट्री मिली होती तो आपको काफ़ी अच्छा लॉस हुआ होता, यहाँ पर आपको एंट्री मिली थी लेकिन आप यहाँ पर एग्जिट भी हो गए होते वापस, फिर आप देख सकते हो कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव दिया था। सो आप इसका कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वो भी कर सकते हो कि अगर 100 पॉइंट्स के ऊपर नीचे मार्केट ओपन हो रहा है तो आपको स्ट्रेडल सेल नहीं करना, स्ट्रेडल बाय करना है, लॉन्ग स्ट्रेडल करना है, इस तरह की मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। सो आप देखिए किस तरह की आपको स्ट्रेटजीज बनानी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रेटजी कोई मुझे रिक्वेस्ट करता है बनाने के लिए वही आप सेम स्ट्रेटजी बनाओ, आप अपने हिसाब से उसके अंदर वेरिएशन ला सकते हो इजीली, राइट। सो अभी उसका एग्जिट देख लेते हैं, जो भी मैंने आपको बोला, या तो 3:09 हो गए तो आपको एग्जिट कर देना है क्योंकि इंट्राडे स्ट्रेटजी है ये, मैक्स प्रॉफिट लेस देन मैक्स लॉस, सिर्फ उस दिन के लिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ तक गया था एंड लॉस कहाँ तक गया था वो देखने के लिए है रन टाइम के अंदर। एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज से 16 कैंडल पहले जो भी क्लोज था अभी जो चल रहा है वो, एंड अभी जो प्रीवियस क्लोज था लास्ट कैंडल का क्लोज था, वो दोनों अगर R1 से ऊपर है यानी कि उसका क्या मतलब है कि आपका 15 मिनट हो गया, राइट, R1 के ऊपर सस्टेन किया है मार्केट ने तो आपको एग्जिट कर देना है। सेम वे में S1 के नीचे आज से 16 कैंडल पहले की जो भी कैंडल थी उसका क्लोज एंड अभी जो लास्ट कैंडल थी उसका क्लोज दोनों S1 के नीचे है तो भी आपको एग्जिट कर देना है। इसके साथ आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस भी ऐड कर देना है, राइट। जो भी आप अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से या फिर अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से कैपिटल के हिसाब से आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो यहाँ पर, लेकिन रखना कोई भी एक स्टॉप लॉस रखना, वरना अगर इस तरह से पिवोट से R1 या S1 काफ़ी दूर होगा तब आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, पॉसिबल है। एंड यस दिस इज इट गाइस, ये मैं इसलिए अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि वो S1 मैंने रिमूव किया, उसका कोई ज़रूरत नहीं था, राइट। बाकी कोड वैसा के वैसे ही है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अभी आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि पिवोट के ऊपर कोई भी स्ट्रेटजी अगर आपको बनानी है, कोई भी वेरिएशन बनाना है तो आप इजीली उसको बना सकोगे ट्रेडट्रॉन में, आसान है काफ़ी। एंड सो दिस इज इट गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।